हाँ बोलो। रूम की लाइट ऑन है, क्या मेरे लिए दरवाजा खुल सकता है? हो सकता है, देखते हैं। शुक्रिया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। शाविस, हुआ क्या है ये? ठीक हूँ मैं बिल्कुल। क्या मतलब है कि ठीक हूँ? लगी कैसी है तुम्हें? सुनो, हम बतूल के एक्स हस्बैंड से मिले थे। मैं यहाँ तुम्हें खुद बताने आया हूँ ताकि तुम्हें किसी और से पता न चले ये बात। सच में कुछ नहीं है, तुम फिक्र मत करो। चलो अंदर आ जाओ। यहाँ बैठो। सिर्फ एक इंच, अगर एक इंच भी और करीब होती। मैं तब भी तुम्हारे पास आता ये मौका न गंवाने के लिए। कहाँ? क्या इस वक्त तुम अपना प्यार नहीं दिखाना चाहोगे? सच में नहीं। तुम जाओ, लड़ाइयां करो और गोलियां खा लो। तुम्हें अंदाजा है कितना डरती हूं मैं तुम्हारे लिए? देखो मेरी तरफ, कौन है मेरा तुम्हारे अलावा? इधर आओ। अपना ख्याल नहीं है तो मेरा कर लिया करो। ये बात सोच लिया करो कि इस दुनिया में कोई है जो तुमसे खुद से कहीं ज्यादा मोहब्बत करता है। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं रह ही नहीं सकता तुम्हारे बगैर। ये पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। तो बस इतना ही करोगी? हाँ, थोड़ा और प्यार दिखाओगी तो शायद जल्दी ठीक हो जाऊंगा मैं। बस यही करना है तुमने? हाँ ठीक है, जो सही लगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शाविस, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। कहाँ से मिला ये? ये मुझे यहाँ मेरे बेड पर मिला। कब? क्या अभी मेरे आने से पहले मिला था? नहीं, शाम के वक्त मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएंगे। क्या मतलब है? और एक जगह का एड्रेस भी आया था। ठीक है, मुझे वो एड्रेस बताओ अभी। मैं वहां जा चुकी हूँ। जा चुकी? अकेले गई थी क्या? कब्रिस्तान का एड्रेस था। मरियम, तुम क्या करना चाह रही हो? क्या करना चाह रही हो यार? मेरे हाथ पर गोली का एक जख्म है और तुम मुझे ये बता रही हो? हाँ, कोई पागल आदमी पहले ही तुम्हारे पीछे पड़ा है और तुम रातों को अकेले कब्रिस्तान जा रही हो, और वहां जाने से तुम्हें मिला क्या है? बताओ। रूहान की कब्र का एड्रेस था। क्या? मरने के बाद भी ये आदमी हमारी जान नहीं छुड़ा? समझ नहीं आ रहा इससे आखिर हमारी जान कब छूटेगी? वो मरा नहीं है।